पूजा के दौरान गाय का दिखना क्या है संकेत? दीपक कैसे बताता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है? पूजा के दौरान किसका घर में आना होता है शुभ? ये संकेत बताते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान में आस्था रखने वाले मनुष्य अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ व ध्यान के माध्यम से करते हैं। परिवार में सुख समृद्धि की कामना हेतु प्रार्थना, व्रत, कथा, हवन इत्यादि के माध्यम से अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। परमात्मा की सच्ची प्रेरणा से की गई पूजा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। हम भगवान के आगे रोजाना पूजा पाठ करते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम पूजा इसलिए करते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और कामकाज अच्छा चले और भगवान का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूजा कैसे सफल होती है, हमें कैसे पता चलता है कि पूजा सफल हो गई, पूजा सफल होने के क्या संकेत हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जब हम पूजा करते हैं तब हमें कुछ पूजा सफल होने के संकेत मिलते हैं। भगवान हमें पूजा सफल होने के कुछ संकेत देते हैं। आइए जानते हैं पहला ऐसा कौन सा संकेत है जिससे ये पता चलता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। जब आप हवन या पूजा करते हैं तो दिया अवश्य जलाते हैं। अगर आपके दीपक जलाने के बाद यदि दीपक की लौ तेज और ऊपर की ओर जा रही है तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल होने जा रही है और भगवान आपकी पूजा से खुश हैं। आपकी पूजा सफल हो गई, भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर पूजा के दौरान सफेद गाय के दर्शन होते हैं या आपके द्वार पर सफेद गाय आती है तो आपको इसे सफल पूजा के संकेत मानना चाहिए। भगवान आपकी पूजा से खुश हैं और भगवान का आशीर्वाद मिला है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकारा है, उस गाय को रोटी जरूर खिलाएं। यदि आप पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाते हैं और उसका धुआं भगवान की तस्वीर या मूर्ति की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है। दीपक की लौ और अगरबत्ती का धुआं भगवान की ओर जाना पूजा का शुभ संकेत माना जाता है। भगवान वास्तविक रूप में किसी को नहीं दिखते हैं, इसलिए माँ बाप या गुरु को ईश्वर का रूप माना गया है। यदि पूजा के समय माता पिता या गुरु आपके घर आते हैं तो पूजा के सफल होने का संकेत माना जाता है। भगवान आप पर खुश हैं, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। पूजा के समय भगवान की मूर्ति पर फूल या माता की माला चढ़ाई जाती है। यदि उस माला में से कोई फूल नीचे गिरता है तो उसको शुभ संकेत मानना चाहिए या भगवान की पूजा सफल होने का संकेत माना जाता है। या आपकी कोई मनोकामना है तो मान लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं। पूजा करने के बाद अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षा मांगने साधु या महात्मा आता है तो उसे भिक्षा अवश्य दें। यह माना जाता है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आते हैं और वो आपकी पूजा सफल होने का संकेत देते हैं। पूजा के दौरान अगर आपको मधुर अलौकिक ध्वनियां सुनाई दे तो समझ लें भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं। पूजा के दौरान आपके मन में अकारण प्रसन्नता आ रही है तो आपकी पूजा सफल हो रही है और आपकी धार्मिक उन्नति और आपकी जीवन की दशा बदलने वाली है। तो ये थे पूजा सफल होने के कुछ संकेत। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ नई जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।